तू ना काजू और नील का नाम ना एक साथ जोड़ के ना बुलाया कर, क्योंकि क्या है ना काजू और नील जो है ना वो दोस्त हैं, और इस तरह ना पति पत्नी की तरह उनका नाम जोड़ के ना बुलाया कर। अरे आपको कुछ नहीं पता, मैंनु सब पता है। वो दोस्त नहीं है, काजू ना नीलवीरे की पत्नी है। माँ मैंने देखा है, वो ना ऐसे आपके जैसा ऐसे मांग में सिंदूर लगाती है। नीलवीरे के नाम का क्या? हाँ, मैंने तो पिक्चर में देखा, आप भी तो जो ऐसे सिंदूर लगाते वो तो पति पत्नी हुए ना, दोस्त कैसे हुए? मैनू तेरी बात समझ में नहीं आ रही परी, लेकिन तू जरा जरा धीरे धीरे बात कर, नहीं तो नीचे कोई सुन लेगा। अच्छा मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। मैंने ना उस दिन मैं और काजू खेल रहे थे ना, तो मैंने देखा वो सिंदूर लगाया था उसने। वो आएगी ना तो मैं उसके बाल पे से करूंगी, सारे बाल उड़ जाने, फिर आप देख लेना सिंदूर। हाय रब्बा, तो क्या वो अपने सिर पे वो दुपट्टा सिंदूर छुपाने के लिए बांधती है? ठीक तो ना, तुम ना बात नहीं मानती, इधर आराम से, आराम आराम से। अरे इतनी दूर का, इधर आओ। तुम्हें अपने दिल की एक बात बताऊं? देखो जिस दिन घर से बाहर जाने की बात हो रही थी तब कैसे नाटक कर रही थी। नहीं जी, मैं तो आपके घर में नौकरानी बनके रहूंगी, आप सबकी सेवा करूंगी, और अब हो गए सारे घड़ियाले आंसू गायब। नील ने जरा सी शह क्या दे दी, बस अपने आप को घर की बहू समझ रही है। कच्ची घोड़ी तो मेरा नील ही है। सच कह रही हूँ भाई साहब, इतना भोला है ना वो, कोई अपना दुखड़ा रो दे बस उसके साथ रो पड़ेगा। अब काजू ने कह दिया बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अब देख लो, उसने कह दिया कि मधुर अच्छा आदमी नहीं है, तो भी चल पड़ा उसके पीछे पीछे। हाँ जी, मधुर अच्छा आदमी नहीं है, उसकी आदत तो है। सही कह रही है तू। इतनी सी क्लिप देखने में क्या मजा है, जबकि आप देख सकते हैं पूरा एपिसोड अपने पसंदीदा चैनल स्टार भारत। गुड़ से मीठा इश्क, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।